गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको बेसिक कंसेप्ट कुछ क्लासेस में सिखाए गए थे, लेकिन आज हम एक स्पेशल सेशन करेंगे जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेरा पर्सनल मानना है कि इस एज में मोस्टली सबके साथ होती है। ये पूरा जो आज का सेशन है उसको करने का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जब तक आप उस एज के बच्चे को उसके बारे में बताओगे नहीं, वो उस चीज के बारे में नहीं सीख सकता। घर में हमारे ये माहौल है नहीं कि हम इन चीजों का डिस्कशन करें, स्पेशली रात को 2:30-3 बजे जब किसी इंसान को बेचैनी उठती है, जब वो फोन करता है तो वो ढूंढता है, यार मैं डिस्कशन किसके साथ करूं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को बदलना पड़ेगा। इस टॉपिक को आज लेने का सबसे बड़ा पर्पज है क्योंकि जो आपके दिमागों में बॉलीवुड ने फिक्स करा है, जो आपके दिमाग में स्टोरीज चला दी गई हैं, वो स्टोरी ये है कि रिलेशनशिप सब कुछ है, या बॉलीवुड फिल्मों में तुम्हें कुछ गाने सुना दिए गए उस पे चल रही है। सिंपल सा सोचना, मोस्टली बॉलीवुड फिल्मों ने कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है जो ये बताती है कि इस एज के अंदर सबसे जरूरी काम क्या है, इस तरह की एक्टिविटीज में पढ़ना, मोस्टली फिल्मों में, और मोस्टली स्कूलों में भी यही चल रहा है। अब दिक्कत ये आती है जब कोई बच्चा कुछ गलती कर देता है और पेरेंट्स को डांटने पे आते हैं। मेरा मानना ये है डांटने का अधिकार उसको है जिसने कभी समझाया उस बारे में। जब किसी ने समझाया ही नहीं और पहली बार इस उम्र में जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे थे और वो स्टूडेंट उस चीज में पड़ा, उसकी गलती नहीं, उसकी गलती जो उसको साथ संभाल रहे थे, चाहे वो फिर भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कुछ हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एज का उस पर्टिकुलर फैक्टर पे बताना। मोस्टली ये जो पूरा वीक होता है इसमें कुछ इंसान की फीलिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर सॉन्ग से ज़्यादा समझ आएगा और वो इंसान वहाँ पे अपने आप को ऐसा फील करता है कि यार यही दुनिया है, ये तो बाकी सब तो मोह माया यूं ही चल रही है। जैसे एक बहुत कॉमन सॉन्ग है, एक स्टूडेंट को मैंने सीडीओ में सुनते सुना था, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया, लेकिन इसका एंटीडोट पता होना चाहिए कि इसको सुनने के बाद ये तो थी मोह माया असल वाली। ठीक है, अगर रियलिटी में जीना है तो उसका एंटीडोट क्या होगा? अगर मैं सॉन्ग की भाषा में बोलूं कि इसके बाद तुरंत कौन सा सॉन्ग सुनना चाहिए, तो अगर मेरे से पूछो तो एक बहुत ऑथेंटिक सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे बेस्ट है ये, अगर चीजें समझ ली, क्योंकि ये मैंने अपने बचपन में अपने घर में सुबह संडे को टीवी पे रामायण महाभारत वगैरह आती थी, वहां से कंसेप्ट कल्चर लोगों में आता था। अब ये चीज अवेलेबल नहीं है तो वहां से चीजें चेंज हो रही हैं और लोगों को लग रहा है इमोशन ही लव है, दोनों में डिफरेंस समझना। पहली बात तो तुम्हारी वो उम्र नहीं जिसपे तुम समझ सको डिफरेंस क्या होता है इमोशन और लव के अंदर। तुम्हें इस समय सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। गलती से बॉलीवुड ने उसको रिप्लेस कर दिया है तुम्हारे लिए लव से, और तुम्हें लगने लग गया कि ये जो फीलिंग जा रही है ये लव ही है। अगर इस चीज से आगे नहीं निकले तो ये मान के चलना इस एज के साथ साथ आने वाले 10 साल दुखी रहोगे, 10 साल, क्योंकि हॉर्मोन 10 साल खेलेंगे तुम्हारे साथ। अभी जो इमोशनल इम्बैलेंस को बोलेंगे कि यार ये लव है, नहीं है। अब कोई मुझसे कहेगा सर देश से भी तो प्यार होता है, आप कैसी बात कर रहे हो, पत्थर दिल हो। बिल्कुल होता है, लेकिन 14th February को कुछ और भी होता है, होता है नहीं होता है, क्या होता है 14th February को? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक सॉन्ग इस पे भी अटल बिहारी जी की मूवी का आया था, ए भारत मां तेरी माटी तेरा देश पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी देंगे। ये इमोशन वहां पे कॉपी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंपल सा रीजन था, हमारी जो फिल्में बन रही हैं वो हमें एक ही तरफ का आस्पेक्ट दिखा रही हैं, जो कह रही हैं कि नहीं, एक लड़का लड़की इन्हीं के बीच लव हो सकता है,
कभी किसी ने किसी को आर्मी की तैयारी करते हुए देखा है? बहुत पास से देखना, वो बताएगा प्रेम क्या चीज होती है। उसके लिए वो अशोक स्तंभ, वो बेल्ट, जितना ज्यादा वो उनसे प्यार करता है, दुनिया में कोई लड़का लड़की नहीं कर सकता। जब ये तारीख आती है तो दिमाग में वो क्यों नहीं आता? मैं तुम लोगों की गलती नहीं बता रहा हूं, गलती हमारे उस एजुकेशन सिस्टम की है जिसने झांसी की रानी को बाहर निकाला, जिसने महाराणा प्रताप को सिलेबस से बाहर निकाला और चीजें डाली रोमियो जूलियट। ऐसे इतने उपन्यास डाले गए जिससे कहीं पे भी बच्चे में फीलिंग ही पैदा नहीं हुई कि यार लाइफ में कुछ और भी है करने को। उसका दिमाग सीधा उस कंसेप्ट पे गया कि अब मैं जवान हो गया हूं, अब मुझे कहीं घूमना चाहिए लड़का लड़की को लेकर के। ये हमारी अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है जो घर वालों के पेरेंट्स घर पे किसी ने नहीं समझा कि पहली क्लास से 12 क्लास तक इसको किसी ने नहीं बताया है देश प्रेम के बारे में। इसको बॉलीवुड ने एक ही प्रेम के बारे में बताया, वो ढाई अक्षर वाला, और अब ये अपने आप को समझ रहा है हीरो और अब इसको इंप्लीमेंट करेगा। बेसिक सा सिंपल सा ध्यान रखना, इस उम्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये केवल और केवल इमोशनल डिसबैलेंस है, सबके साथ हो रहा है। और ये 8-10 जन ऐसे बैठे हुए हैं जो पर्सनली इसके भुक्तभोगी हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी उस उम्र की है जो तुम्हारे को ये बता रही है कि नहीं ये लव है, नहीं है ऐसा कुछ भी। अब कुछ लोगों के साथ ये है, वो सुपर इंटेलिजेंट तो हैं, इस चीज से बचे हुए भी हैं, उनके साथ एक दूसरा इशू आ रहा है, वो 7वें आसमान पे उड़ने लग गए हैं। ठीक है, उनको सुपर कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे तो इतना आता है, ये तो सब धूल मिट्टी है मेरे आगे। जब भी ऐसी फीलिंग आने लग जाए ना, पर्सनली मैं मेरा बता रहा हूं, एक सिंपल सा अगर जीवन में कुछ अचीवमेंट हो भी जाए, पहली बात तो हुई नहीं अचीवमेंट अभी, और अगर किसी को लग भी रही हो कि मेरी तो अचीवमेंट हो गई, इनसे ज्यादा तो अचीवमेंट नहीं हुई होगी ना। फिर ये घमंड कहां से आ गया? और ऐसा लगे भी ना तो कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर अचीवमेंट हो भी जाए ना तो इस तरह से इनके चरणों में चढ़ा देना, अगर हो जाए। और जब तक नहीं हुई है एटलीस्ट अपने पांव जमीन पे रखना कि यार अभी मैं कुछ हुआ नहीं हूं और मेरे से आगे पहले बहुत कुछ हो चुके हैं और उनके बगल में जो खड़े हैं वो मुझसे ज्यादा पहले कुछ हो चुके हैं, अगर मैं यहां तक भी पहुंच जाऊं, यहां तक तो बहुत बड़ी बात है। इससे आदमी डाउन टू अर्थ रहता है। मैं खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूं कि ऐसा भी कुछ अचीव नहीं हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल वैलेंटाइन डे है, पूरा वीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर वो हावी हो गया ना तो तुम खत्म हो। और अब मैं एक कॉमन मैसेज उनके लिए दूंगा जो इस पूरे टेलीकास्ट को यूट्यूब पे देखेंगे, ऐप पे देखेंगे। देखिए, हमें इस जनरेशन को अगर संभालना है, अगर हमें हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति की तरफ इनको लेके जाना है, तो इनसे बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू है, हम घरों में बात नहीं करते हैं। देश में डेमोक्रेसी जरूर है लेकिन हमारे घरों में डिक्टेटरशिप है। जब तक इनसे बात नहीं होगी, ये उस एज में है जिस एज के अंदर हार्मोन सबसे ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। इनको समझाना पड़ेगा इमोशन और लव में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सिर्फ 14 फरवरी को इनके साथ सख्ती करें, इनको घरों में बंद कर दें, उससे कहीं गुना बेटर होगा इनके साथ बैठ के इस टॉपिक पे बात की जाए। बहुत मुश्किल है, मैं खुद जानता हूं, लेकिन आपको इस मुश्किल को, क्योंकि पेरेंटिंग इतनी आसान चीज नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कंप्रेस करने को अपनी ड्यूटी मान रहे हैं। कंप्रेशन से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। और ये आप लोगों से उम्र में बहुत छोटे हैं, इनमें ताकत आपसे ज्यादा है, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे अपनी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। तब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर दाग लग गया, हमारी इज्जत को नहीं रखा। इसलिए बेटर है इनसे बात की जाए। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कहते हैं कि ये हमारे देश का युवा है, फ्यूचर में इन्हीं के साथ ही इस देश के कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इनको अपना देश का युवा मान रहे हैं, अपने देश का भविष्य मान रहे हैं,
तो पहले इनके मन में क्या है, और वो केवल और केवल डेमोक्रेसी से ही आ सकता है। यहाँ लॉ प्रेप में हमारा एक प्रिंसिपल है जिसमें हम ये सोच के आपके बच्चे को एजुकेशन देते हैं कि ना केवल एकेडमिक्स में वो आगे हो, जब वो यहाँ से निकले तो एक बैलेंस पर्सनैलिटी बन के बाहर निकले, उसको कॉलेज में जा कर के ये ना फेस करना पड़े कि वो एक अनबैलेंस्ड आदमी हो, या सोसाइटी में जा कर के उसके अंदर सिर्फ एकेडमिक का ही पॉजिटिव पॉइंट ना रह जाए। हमारी कोशिश रहेगी हर बच्चे को इसी सिद्धि के साथ सिद्ध करके यहाँ से बाहर भेजने की। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी घरों में एक डेमोक्रेसी का माहौल लाएंगे। थैंक यू सो मच। तिरंगा शान अपनी देंगे।